हूँ चाइना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद चाइना। आज मैं अपने किचन में कोई रेसिपी नहीं बना रही, आज मैं आपको अपने बकरों से मिलवाऊंगी। ये देखिए इतने प्यारे प्यारे बकरे आए हैं मेरे घर, ये देखिए कितने प्यारे। ये बकरे का नाम है राजा, ये है रानी, इसका नाम है रानी। ये देखिए बैठिए रानी, ये देखिए रानी मैंगो खाती है बहुत शौक से ना। ये देखिए ये अहमद जो है ना मैंगो खिला रहे हैं इनको। ये देखिए अहमद आपने गिरा दिया नीचे, वो नीचे का घर के पले हैं वह बकरे, बहुत ही अच्छे पले बकरे हैं ये, और बिल्कुल गंदगी पसंद नहीं करते हैं ये बकरे, और घर का खाना खाते हैं, रोटी भी खाते हैं माशाल्लाह, मैंगो भी खाते हैं, चारा भी खाते हैं और अपना दाना भी खाते हैं। ये देखिए अभी इनका मुझे लग रहा पेट भरा हुआ है बहुत ज़्यादा ना। ये अहमद ये पानी दो उनको, पानी आगे मार नहीं। अहमद जो दूसरे बकरे भी उठ गया और राजा भी उठ गया हमारा। अहमद साइड पे हो जाओ, राजा को दिखा दो, अहमद साइड पे हो जाओ। ये राजा रानी की जोड़ी देखो, ये हमारा राजा है रानी है। आप अहमद इनको दाना खिलाने जा रहे हैं, पूरा दिन अहमद के पास यही काम है, कभी दाना खिला रहे हैं राजा रानी को, कभी ये चारा खिला रहे हैं राजा रानी को, और कभी मैंगो खिलाते हैं, कभी रोटी खिलाते हैं, मुख्तलिफ चीजें खिला रहे हैं और तकरीबन सब चीजें ही खा रहे हैं दोनों माशाल्लाह राजा रानी। और बहुत जल्द मैं आपको अभी राजा रानी से मिलवा रही हूँ, अब मैं आपको थोड़ी देर बाद बादशाह से भी मिलवाऊंगी। ये पानी भी रखा हुआ है इनका, बाल्टी के अंदर भर के क्या अहमद को तो इतना शौक है बकरों का, काओ का बेहतर शौक है। ये जब से बकरे आए ना तकरीबन तीन चार दिन हो गए आए हुए मेरे घर, और जब से लगे हुए वही देखिए बिल्ली का बच्चा भी घूम रहा है, मजे ले रहा वो भी हैरान है बिल्ली का बच्चा में, वो बिल्ली का बच्चा बकरों से डर रहा है और बकरे बिल्ली के बच्चे से डर रहे हैं। ये भैया पत्ते खाना शुरू हो गए, ये सब चीज के जायके चख रहे हैं। पिज़्ज़ा भी बनाएंगा अहमद कह रहे पिज़्ज़ा भी खिलाओ उनको, बताओ पिज़्ज़ा खाएंगे ये। ये रानी तो बहुत तेज है, ये रानी छोटी है ना रानी, राजा नाजुक सी है, गुस्से की बहुत तेज है भैया रानी हमारी, हर वक्त नाक पे गुस्सा रहता है इनके। चाहिए अहमद और लेकर आइए इनका खाना, और खाने डंडी भी खाने। राजा खा रहे, राजा को मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगा, बहुत भूखे राजा जो रानी खाने नहीं देती राजा को। लेडीज फर्स्ट, ये इनकी फेवरेट डिश है, बहुत शौक से खा रही है रानी। अभी देखिए मैंगो भी खिलाया था इनको, और मैंगो तो पहले खाया था ना इसलिए इन्होंने ये थोड़ा कम खाया, अब तो वहां तक पहुंच गई हूँ। पूरी दूर पूरी पूरी स्लीपर पहंगा आई अपनी नंगे पे नहीं आई, जल्दी जल्दी पहंगा आई। ये देखिए रानी ये चारा भी खा रही है, ये भूरी भी आ रही है खाना खिलाने के लिए रानी को, भूरी खिलाए। ओ भाई पूरी भी खिला रही है, ओ माय गॉड, पूरी के हाथ में पत्ता दे दो अहमद निकाल के, रानी खा रही है अहमद, तो ये खिलाओ अहमद, ये खिलाओ रानी, आओ वो कह रही है छोटी हुई रानी आओ। ये देखिए हम छोटे छोटे बच्चे हैं, बस बहुत शौक है इनको खिलाने का। ये देखिए भाई ये रानी जो है ना हमारी बहुत प्यारी सी रानी है, ये देखिए मैं हाथ भी लगा लूँ लेकिन गुस्सा भी आता है भाई इसको। ये देखिए देखिए मैं हाथ लगा दूँ ना मारती हूँ मुझे, कितनी प्यारी है देखिए, कितने ना प्यार भी कर रहा है, मैं उसको कुछ भी नहीं कह रही, बहुत सीधी साधी सी है। ले आप भी खाएगा, आप भी भूखे।
ये रानी राजा दोनों मिलके साथ खा रहे हैं। दोनों खा ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं। देखो रानी कैसे खा रही है, कितनी जल्दी जल्दी खा रही है। राजा से मासूम से कुछ नहीं कहते, राजा कहते हैं उसको खा ले तो रानी को खा ले। भाई बच्चों ने हमारे नाम इनका रखा है, देखा अब अपना खा लिया। रानी ने उनके पास चली गई, राजा और एक ही रानी। अब देखिए बिल्ली का बच्चा भी सामने बैठा हुआ है, देखिए वो भी कह रहा है कि मैं भी साथ बैठूंगा। चलिए मैं बादशाह से मिलवाऊंगी आपको। मैं ये रानी राजा को आपने अच्छी तरीके से देख लिया, अब इनकी इंशाल्लाह कुर्बानी होगी, तब मैं आपको कुर्बानी होते हुए हो सका तो मैं इंशाल्लाह करा दिखाऊंगा। ये लो राजा, देखो देखो रानी आ गई, राजा को जाने दो। रानी चेक करें मजाक राजा की, हो रानी स्पीड चेक करें मजाक। ये भी देखिए मुझे देख देखकर सीख गए हैं, मत छोटे से सब बोलना सीख गए। ये चेक करें किस तरीके से खा रहे हैं, देखें कितना कितनी मोहब्बत है दोनों में। देखें अभी दोनों एक दूसरे से जुदा भी नहीं रह सकते। मैंने सोचा था एक को मैं ऊपर के पोषण बांध लूँ, एक को नीचे की, लेकिन नहीं ऐसा मैंने किया, चीखने लगे ये अलहदा नहीं हो सकते। अच्छा को दिखा उसमें दोनों खाना अहमद, तुम इसको चारे में ला दो, दिखाऊंगी ना मैं दोनों खाने। इसके बगल ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए आपने दो कानों वाले बकरे तो हर जगह देखे होंगे, ये देखिए हमारे चार कान, हमारे बकरों के चार कान है। ये देखिए दो कान ये रहे बड़े बड़े इनके, दो ये छोटे कान ये रहे, दो कान ये रहे, चार कान वाले बकरे। दिखाइए अहमद, आप दिखाइए जरा पकड़ के, अहमद दिखाएंगे। देखिए मुझे बहुत डर लग रहा है, ये भाग रहे बहुत ज्यादा। दो कान बड़े हैं और ये दो कान छोटे हैं। अब इसके हार बार भी लाए जाएंगे, स्पेशल बकरे हैं हमारे। ये घर के पले में बकरे हैं हमारे। ये देखिए ये अभी अभी आए हैं, कोई भी हार नहीं पहना है, अभी इसका हार खरीद के लाएंगे, अभी इनके गले में हार डालेंगे, अभी इनकी ज्वेलरी बाकी है, अभी ज्वेलरी मंगाऊंगी इनकी भी, ज्वेलरी के साथ भी एक दफा मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए गाइस जैसा कि मैंने आपको राजा रानी से मिलवाया, अब ये हमारा बादशाह, देखिए बादशाह खड़ा हुआ है। ये बादशाह खड़ा करने के लिए मैं हमेशा अपने घर का ये पोर्शन, ये एरिया मेरा ये गाय बकरों के लिए होता है, खास करके जब ये कुर्बानी होती है तो मैं हमेशा ये गाय भी जाती है, बकरे भी आते हैं, तो मैं अपनी गैलरी में खड़ी करती हूँ, मैं सेटिस्फाई होती हूँ, ताकि ये जाना सुकून से रह सके, बारिश से बचा रहे। जो अक्सर आपने सुना होगा हादसा हो जाते हैं बिजली से, वो गाय का गाय बिजली से चिपक के मर गई, बकरे चिपक के मर गए, बहुत सारी बातें सुनने में आती है, तो मैं अपने घर में खड़ी करती हूँ अपनी गाय को भी बकरों को भी। ये देखिए ग्रिल में सारे मैंने ये पैकिंग की हुई है, प्लास्टिक से पूरा कवर किया हुआ है, ताकि बारिश वगैरह आए तो ये हमारी गाय और बकरे सेफ रहे यहाँ पे। सिर्फ इनकी सेफ्टी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, मिट्टी डलवाती हूँ मैं यहाँ पे, देखे पूरे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मैं हसी को भी मुझे भी। ये देखिए ये ज्वेलरी पहनी हुई है ना, ये हमारा बादशाह ज्वेलरी पहना हुआ, ये ज्वेलरी हमारे बादशाह की जबरदस्त लग रही है, वीआईपी लग रही है, आप लोग हैरान हो रहेंगे। पिछली दफा भी मैंने पाव दिखाई थी आपको अपनी, वो भी इसलिए मैच होती हुई थी, मैच हो रही थी बहुत ज्यादा, तो लगता है उनका जुड़वा कोई टूरिस्ट भाई निकल आया ये। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, इनका फेस जो है ना फेस पे कम है, मैं इसका भी देखिएगा पिछली वाली मेरी वीडियो देखिएगा, ये वाली वीडियो देखिएगा, थोड़ी सी चेंजिंग है, देखिए मिलती जुलती है काफी हद तक मिलती जुलती है। ये देखिए अपने मुँह अपनी वीडियो बना, बहुत शौक है हमारे इस बादशाह को ना वीडियो बनवाने का। ये देखिए बिल्कुल मुँह अपना करीब कर लिया, इस बार वीडियो बना रही है मेरी बेटी। अब ये देखो बादशाह बिल्कुल सीरियस खड़ा हुआ है, सर है ना बादशाह हमारा कितना जबरदस्त, देखो ताज भी पहना हुआ बादशाह ने, मानते इसको बादशाह नहीं मानते, और कितना जबरदस्त इंतजाम किया मैंने यहाँ पे बिठाने का पूरा अपनी गेल, बहुत मेहनत तो कर बहुत होती है, मेरे हबी को भी मुझे भी, और ये सुकून में मैं आऊंगी। पहले दिन हम इसकी कुर्बानी करेंगे बादशाह की, और दूसरे दिन हम करेंगे राजा रानी की कुर्बानी।
ये देखिए अहमद जो है ना ये अब चारा खिला रहे हैं बादशाह को। इस वक्त ये इनकी ड्यूटी लगाई हुई है मैंने चारा वारा खिलाने में। चारा भी ये खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं बादशाह को, राजा रानी को, सबको। ये इनका काम ही चारा खिलाना और पानी पिलाना, सफाई करना। और बहुत प्यार करते हैं दूर से। अहमद दूर से बेटा, ये वैसे माशाल्लाह बहुत सीधी सादी है, ये सीधी सादी निकलना मेरे मुँह से, सीधा सादा है ये ये बादशाह बहुत सीधा सादा सा है हमारा। ये देखिए चारा खाने आ गया हमारा बादशाह। देखो ये देखिए, मुझे डर बहुत लग रहा है, डरते डरते मैं हाथ लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत खौफ है, मुझे मैं बहुत दूर रहती हूँ खाव से। अहमद को डर नहीं रहता, मुझे तो बहुत डर लगता है खाव से बहुत ज्यादा। ये सर पे पसंद आई, मुझे यकीन है प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी ही है। प्यारे प्यारे व्यूअर्स को ये मेरा बादशाह बहुत पसंद आया होगा, राजा रानी भी है उनको भी पसंद आएगी, गाँव भी बहुत पसंद आएगी, यानी ये बादशाह बहुत पसंद आया होगा। बहुत डर लगी मैंने हाथ लगाया, ये तो बहुत सीधा था लेकिन फिर भी डर रहा था। जानवर तो जानवर ही ना भाई, इतना बिलीव नहीं कर सकते जानवर के ऊपर अगर लात मार। ये देखिए भाई मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपने आपको मैंने राजा रानी से भी मिलवा दिया और मैंने आपको अपने बादशाह से भी मिलवा दिया। अब ये राजा रानी और बादशाह सबकी कुर्बानी हम सब मुसलमानों पर जायज है और हम सबको करनी चाहिए। और जो साहिब हैं उन सबको कुर्बानी लाजमी करनी चाहिए क्योंकि सब पर फर्ज है कुर्बानी करना। जो साहिब हैसियत है उनको लाजमी करनी चाहिए कुर्बानी। और अल्लाह का शुक्र है मैं तो हर साल माशाल्लाह से कुर्बानी करती हूँ और अल्लाह का बहुत बहुत करम है मेरे मालिक का। इस बार मेरे बेटे नहीं यहाँ पर, मेरे बेटे यूरोप गए हुए। देखिए इस बार मेरा हबी लेकर आया, लेकिन मेरे बेटे जब यूरोप में, उनको हमने वीडियो भेजी बनाकर इसकी गाँव की, बहुत पसंद आई, वो खुश हो गए कि वाह बाबा आप बहुत ज़बरदस्त लेकर आए गाँव इस बार, बहुत अच्छी, यानी आपको भी बहुत अच्छी लानी आती है। बहुत खुश हुए हैं मेरे बेटे जो ना, बहुत सेटिस्फाई हो गए कि बाबा बहुत अच्छे गाँव लेकर आए। अब ये कि गाँव से मैंने आपको मिलवा दिया, बादशाह राजा रानी से मिलवा दिया। अब मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ जो मेरे अभी ने खास है, मेरे अभी की चॉइस हर चीज़ में नंबर वन है। गाँव क्या, कपड़े क्या, हर चीज़ की चॉइस नंबर वन है। अब मैं अपने मेरे हस्बैंड जो मेरे लिए सूट लेकर आए वो आपको दिखाते हैं। अभी स्टिचिंग होकर आए वो मेरी एक लेडी टेलर है, बहुत ज़बरदस्त कपड़े सीती हैं, मुझे उन्हीं की सिलाई पसंद आती है, मैं उन्हीं का वेट करती हूँ, चाहे मुझे 2 महीने लग जाए 3 महीने, मैं उन्हीं से सिलवाती हूँ। अन स्टिच कपड़े लेती हूँ, फिर स्टिचिंग करवा के फिर वो ड्रेस में पहनती हूँ। बहुत अच्छी फिटिंग है, बहुत अच्छी ड्रेस सीती है, मेरी पसंद की सीती है। आइए मैं आपको अपने ड्रेसेस दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब गाइस, मैं आप लोगों को इतनी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मैंने अभी आपको राजा रानी से मिलवाया, उसके बाद बादशाह से मिलवाया, अब मैं अपने हस्बैंड की लाइव शॉपिंग आपको दिखा रही हूँ, वो शेयर करना चाह रही हूँ जो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए इस दफ़ा बकरीद के लिए यानी ईद उल अज़हा के लिए शॉपिंग करी है। ये सब ड्रेसेस मेरे हस्बैंड लेकर आए, लेकिन अनस्टिच लेकर आए थे। ये देखिए ये इसकी ज्वेलरी मैचिंग की, ये इसके लिए लगा बिल्कुल मैच करते हुए। देखें जेंट्स के हिसाब से बहुत अच्छी इन्होंने मैचिंग ज्वेलरी खरीदी है। ये देखा हाथ में पहनने के मैचिंग की खरीदे इन्होंने। ये देखिए ये ईयर रिंग्स है, छोटे खूबसूरत से नाजुक से। ये गले में पहनने की माला जो आजकल जिसे चल रही है आप देख रहे हैं, मॉडल ये है मेरा गोल्ड प्लेटेड ब्रेसलेट, देखें कितना खूबसूरत मैच करता लेकर आया, ऑरेंज शेड वाला। और ये कैचर ब्लैक मैच करके लेकर आ गए। और ये वाला मेरा सूट है, फर्स्ट डे का सूट है मेरा, और ये सेकंड डे का सूट है मेरा, और ये थर्ड डे का। अब ये मेरे पर डिपेंड करता है मैं कौन से दिन ये सूट पहनती हूँ। और ये देखिए इसकी मैचिंग का देखिए तो ज़बरदस्त, ये लेकर आए कैचर मैचिंग का। और ये देखिए इतने ज़बरदस्त खूबसूरत लेटेस्ट डिजाइन की ये माला लेकर आए मैचिंग की। ये हाथ में पहनने का ब्लैक कलर का ब्रेसलेट लेकर आए, और ये टॉप्स लेकर आए, छोटे छोटे टॉप्स हैं, दो तरीके से पहन सकते हैं। और ये एक ड्रेस ये वाला है मेरा, देखिए ये एम्ब्रॉयडरी हो रही है इसके अंदर। और ये देखिए ये इसकी देखिए माला कितनी खूबसूरत है इसकी माला, ये देखिए ये कंट्रास्ट में माला लेकर आए, और ये टॉप्स लेकर आए इसके।
और ये एक हाथ में पहनने के लिए हैंड वॉच वगैरह है पीच कलर की मैच करते हुए। जो उनको समझ में आए, बारह शॉपिंग बहुत अच्छी करी है, मैं बहुत सेटिस्फाई होती हूँ इनकी शॉपिंग से। मेरे हस्बैंड शॉपिंग बहुत अच्छी करते हैं। अब मैं आपको ये अपने ड्रेसेस खोल के दिखाती हूँ, देखिए कितना ज़बरदस्त ये मैं अनस्टिच लेकर आए थे मेरे हस्बैंड। ये देखिए देखिए ज़बरदस्त ड्रेस, ये सीधी मेरी लेडीज टेलर बनी हुई है मेरी, मैं उनसे सेटिस्फाई होती हूँ, उन्हीं से कपड़े सिलवाती हूँ। देखिए आस्तीन इतनी खूबसूरत बनाई है उन्होंने, ये बॉर्डर दिया है, ये ट्राउज़र का बॉर्डर उन्होंने दिया है, और ये देखिए ये इसका ट्राउज़र है, देखिए ट्राउज़र है, और इसमें अभी ये तसर्स लगेंगे सामने जो है ना, वो बेचारे पास टाइम नहीं था नॉर्मल, ये आप खुद ला लिया टसर्स, मेरे पास टाइम नहीं, बहुत सिलाई आई हुई उनके पास ना, और बहुत अच्छे कपड़े सीती है, मुझे बहुत पसंद है उनकी आपकी सिलाई, यकीन मानिए मैं दो दो महीने से वेट करती हूँ उनका, उनकी सिलाई का, मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों की। देखिए इसका एम्ब्रॉयडरी वाला फुल दुपट्टा है, इसमें मैंने एप्लिक वाली मेरे हस्बैंड ने ये पिको करवाई है, कितना खूबसूरत सूट लग रहा है, लग रहा है ना। अब ये मेरे पर डिपेंड करता है मैं किस दिन पहनती हूँ, फर्स्ट डे पहनती हूँ, सेकेंड डे, देखिए जिस दिन मेरे हस्बैंड बोलेंगे उस दिन पहनूंगी। ये देखिए दूसरा ड्रेस है मेरा, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखना खूबसूरत दूसरा भी बहुत ही अच्छा सिया उन्होंने, देखो ये देखिए ये भी एम्ब्रॉयडरी हो रही है, ये बोर्ड गला जो आजकल चल रहा है देख रहे हैं वो बनाया है उन्होंने। ये देखिए हाथों में ये लेस वगैरह मैं देती हूँ उनको लाकर, लेकिन वो ड्रेस जो है ना बहुत अच्छे सीती हैं, फिटिंग बहुत अच्छी होती है इनके कपड़ों की, बहुत अच्छे सीती इनको, मतलब सेटिस्फाई हूँ बहुत ज़्यादा मैं। ये देखिए आज में लेस लगाई और ये ट्राउजर देखिए इसका, ये इसका ट्राउजर इधर रेडीमेड सूट के साथ आधे पेजेस वो मैंने लगवा के सिलवाया, पलेटें डाली उन्होंने, ये इसका ट्राउजर है और ये इसका दुपट्टा है, ये मेरे हस्बैंड की एम्पली वाली पीको को लगा के देखा आ गए थे खुद ही, देखिए फुल कितना खूबसूरत होता है, ये एम्पली कोई भी ब्लैक कलर की। ये देखिए जी तीसरा सूट है मेरा, ये देखिए ये तीसरा सूट सिलवाया मैंने, ये इसके आस्तीनों में भी इन्होंने लेस लगी, लेस मैं ला के देती हूँ उनको, लेस की चॉइस मेरी होती है, डिजाइनिंग मैं बताती हूँ उनको, इस तरीके से सीना ये सीना, और सिलाई उनकी अपनी होती है, डिजाइन मैंने उनको बताया था इस तरीके से बनाना आपको, ऐसे सीना है। ये ट्राउजर है, ये देखिए ट्राउजर में भी ये साथ में आई थी, क्योंकि जय रोड के सूट था उसमें आपको तो पता ही है लगाने की चीजें आती हैं, पेजेस भी आते हैं लगाने के एम्ब्रॉयडरी वाले, ट्राउजर के भी आते हैं, शर्ट के भी आते हैं, तो इसलिए जाने ये मैं लगवा के पलेटें दिलवा के मैंने ये सिला है, और ये इसका दुपट्टा, ये फुल इसका दुपट्टा है, शेफोन जॉर्जर का दुपट्टा, इतना खूबसूरत है ये दुपट्टा है इसका, इसलिए मैंने अपनी लगवा के मेरे हस्बैंड ने पिकअप किया। ये हो गए मेरे जी तीनों दिन के ड्रेस हो गए, आपको यकीनन पसंद आए होंगे, और ये देखिए इसका ज्वेलरी सेट कितना खूबसूरत लग रहा है ना, इसके बाद कितना ज़बरदस्त मैच हो रहा है ना, मैं लगा के चेक कर रही थी कैसा लग रहा है, अब मुझे